अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अज असी जो टॉपिक पढ़ा से वो टॉपिक है लाइसोसोम्स। अज असी लाइसोसोम्स पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, एक वजाहत कह हलां तो हि जो टॉपिक मैं पढ़ाए रो लाइसोसोम्स, यो मैं सम अकेडमी के बुक में पढ़ाए रो। छो तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुख्य रिक्वेस्ट कई तो सर तक सम अकेडमी के बुक में पढ़ाया, उन कर रिक्वेस्ट नोट कई वही हाँ तक ही सम अकेडमी के बुक में पढ़ाए रो। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तक कें भी स्क्रीनशॉट वठण की जरूरत न पवी, छो तो बुक्स तभी के हथन में होंद। सो लेट्स स्टार्ट। लाइसोसोम्स, द वर्ड लाइसोसोम्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। एक वर्ड है लाइसिस, बो वर्ड है सोमा। लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग एंड सोमा मीन्स बॉडीज। लाइसोसोम्स के ब्रेकिंग बॉडीज इन कर ही इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प कंदा आहिनि। कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक कंदा आहिनि, प्रोटीन्स के ब्रेक कंदा आहिनि, ऐं लिपिड्स के ब्रेक कंदा आहिनि पंहिंजे एंजाइम्स जे ज़रिए। सो लाइसोसोम्स आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स, यानी ही तमामु साइज़ में नंढा आहिनि। हिननि जी साइज़ तमामु नंढी आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जे ज़रिए ॾिसी सघूं था। वेज़ीक्यूलर स्ट्रक्चर, वेज़ीकल्स आर स्मॉल बबल लाइक पॉकेट्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म विच आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, वह डाइजेशन जो सेल के अंदर थी उनके इंट्रासेल्युलर डाइजेशन चाहता जिनके कर लाइसोसोम्स ब्रेकिंग बॉडीज चो तो वे। लाइसोसोम की साइज ऐसो तमाम नंबी आ, 0.2 माइक्रॉन्स टू 0.5 माइक्रॉन्स, या सिर्फ ए सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए अस ऐसी सूँ था। अगर अस लाइसोसोम्स की ओरिजन की गाल क्यों अस पढ़ी चुका हूं तो लाइसोसोम्स फॉर्म थन्दा गोल्जी बॉडीज में, इतने लिखल है ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी एपरेटस। ए लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी में अराइज थन्दा उनके प्राइमरी लाइसोसोम चबो आ। हाँ इतने फोकस कंदा फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। डियर स्टूडेंट्स, अज के लेक्चर में अस लाइसोसोम जहाँ पंज फंक्शंस पढ़ासी। पर्यों इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, उनखां पोइ सेकेंड फंक्शन पढ़ंदासीं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अॼु असीं लाइसोसोम जो थर्ड फंक्शन पढ़ंदासीं ऑटोफेगी। पोइ चोथों फंक्शन पढ़ंदासीं ऑटोलाइसिस ऐं पंजों हेटेरोफेगी वन बाय वन। त असां लाइसोसोम जो पहिरियों फंक्शन स्टार्ट करे रहिया आहियूं इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, उहा डाइजेशन जेका सेल जे अंदरि थींदी आहे उनखे चइबो आहे इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। जीअं डेफिनेशन में लिखियो वियो आहे द डाइजेशन which entirely takes place inside the cell, yani uha digestion jeka mukammal cell je andar thindi a, puri je puri cell je andar thindi a. disam kiyan ta hina diagram ke diso. here students, dear students, asan je cell ji plasma membrane a, theek a. and suppose kyo cell je andar food achi rahyo a ekde process mein phagocytosis mein, तो नोट कर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतने अंदरी तरफ इन्वेजिनेट थी रही है, ही आहे फूड मटीरियल। ठीक है, तो अंदरी तरफ इन्वेजिनेशन सा एकड़ी वेजिकल ठहंदी, इनके चबो आ फेगोसोम। तो अंदर जेका एंडोसाइटोसिस में अगर सॉलिड पार्टिकल तो अचे तो असन तायो फेगोसाइटोसिस, ए फेगोसाइटोसिस के सॉलिड मटीरियल में खायो वयो एक बबल लाइक वेजिकल जे अंदर, इनके सा चयो से फेगोसोम। ए नोट कर ही आन गोल्जी बॉडीज, कि असंजा गोल्जी कंप्लेक्सेस हैं, इनमें जेके लाइसोसोम अराइज थींदा आहिनि मां तव्हांखे पढ़ायो प्राइमरी लाइसोसोम, जिन जे अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स हूंदा आहिनि। पोइ छा थींदो आहे, ही जेके प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उहे हिन फेगोसोम सां फ्यूज थींदा। हाणे ॾिसो, ही जेको मां सर्किल करे रहियो आहियां ही फेगोसोम आहे, इन जे हेठां मां जेको ॿियो सर्किल करे रहियो आहियां ही प्राइमरी लाइसोसोम आहे। त जॾहिं फेगोसोम सां प्राइमरी लाइसोसोम मिलंदो आहे त ठहंदो आहे सेकेंडरी लाइसोसोम, ऐं सेकेंडरी लाइसोसोम जे अंदरि फूड खे डाइजेस्ट कयो वेंदो आहे स्मॉल स्मॉल पीसिस में। ऐं जीअं त इहा डाइजेशन सेल जे अंदरि थी रही आहे उन करे असां इन डाइजेशन खे चवंदासीं डियर स्टूडेंट्स इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सो अगेन रिपीटिंग, वॉट इज़ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन? The digestion which takes place inside the cell is called intracellular digestion. And dear students, या जेका intracellular digestion आ या कंहिंजी help सां थींदी आहे, या थींदी आहे lysosomes जी help सां। Dear students, हाणे असां lysosome जो second function पढ़ंदासीं extracellular digestion, यानी उहा digestion जेका cell खां ॿाहिरि थिए।
ॾिसूं त एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन सेल खां ॿाहिरि जेका थिए थी उन में लाइसोसोम जो कहिड़ो रोल आहे। डियर स्टूडेंट्स, तव्हांखे हिते हिकु डायाग्राम नज़र ईंदी, पिक्चर नज़र ईंदी स्पर्म सेल जी, ऐं स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन में हिसो वठंदो आहे। डियर स्टूडेंट्स, ही आहे एग सेल। ठीकु आहे, एग सेल सां जॾहिं स्पर्म फ्यूज़ थींदो आहे, इन प्रोसेस खे चइबो आहे फर्टिलाइजेशन। त हीउ जेको स्पर्म आहे, स्पर्म जे हेड रीजन में हिकिड़ो स्पेशल लाइसोसोम थींदो आहे, एक्रोसोम। हीउ जेको एक्रोसोम आहे, इहो स्पेशल लाइसोसोम आहे। किथे थींदो आहे? स्पर्म जे हेड में, ऐं इन जे अंदरि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हूंदा आहिनि। जीअं डियर स्टूडेंट्स इहो स्पर्म एग जे क़रीब ईंदो आहे, त इहो जेको एक्रोसोम आहे पंहिंजा एंजाइम ॿाहिरि रिलीज़ करे छॾींदो आहे। ऐं जीअं त हे एंजाइम ॿाहिरि रिलीज़ थिया, उन करे असां हिनखे चवंदासीं एक्ज़ो एंजाइम्स। छा चवंदासीं? एक्ज़ो एंजाइम्स, छो त हे सेल खां ॿाहिरि रिलीज़ कया विया, एक्ज़ो एंजाइम्स। ऐं एंजाइम्स एग जे मथां जेके लेयर्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ो ज़ोना पेल्यूसीडा ऐं ॿियो कोरोना रेडिएटा, उन्हनि सेल्स खे जे लेयर्स खे हे डाइजेस्ट करण में हेल्प कंदा आहिनि। जीअं त एंजाइम सेल खां ॿाहिरि रिलीज़ कया विया ऐं डाइजेशन सेल खां ॿाहिरि थी रही आहे, उन करे असां इनखे चवंदासीं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ॾिसूं कीअं स्पर्म्स रोल इज़ टू डिलीवर मेल्स न्यूक्लियस टू द एग। स्पर्म जो रोल इहो आहे त इहो फीमेल जे एग सेल ताईं पंहिंजो न्यूक्लियस पहुचाईंदो आहे। उनखां पोइ जेका सेकेंड लाइन आहे लिखियलु आहे, द स्पर्म हेड कंटेन अ सिंगल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम कॉल्ड एक्रोसोम। त डियर स्टूडेंट्स, हिते ई एक्रोसोम आहे, कंहिंजे अंदरि आहे? स्पर्म जे हेड में। एक्रोसोम कंटेन द एंजाइम्स नीडेड टू हेल्प द स्पर्म टू पेनीट्रेट द एग। त एग जे मथां कुझु लेयर्स हूंदा आहिनि, उन लेयर्स खे डाइजेस्ट करण लाइ एंजाइम्स घुरिजनि। उहे एंजाइम स्पर्म जे लाइसोसोम वटि हूंदा आहिनि, जेके असां एक्रोसोम था चऊं। एक्रोसोम रिलीज़िस द एंजाइम्स दैट अलो द स्पर्म टू फ्यूज़ विद द एग। जीअं त इहे एंजाइम सेल खां ॿाहिरि रिलीज़ कया विया, एक्ज़ो एंजाइम सेल खां ॿाहिरि डाइजेशन करे रहिया, न करे एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। त अक्सर स्टूडेंट्स सवाल पुछंदा आहिनि त उहे कहिड़ा एंजाइम्स आहिनि जेके हिन एक्रोसोम मां रिलीज़ थींदा आहिनि। डियर स्टूडेंट्स, हीअ उहो एंजाइम जो नालो आहे, हाइल्यूरोनिडेज़ सिंगुलर में ऐं हाइल्यूरोनिडेज़िस प्लूरल में। हाइल्यूरोनिडेज़िस आर द एंजाइम्स दैट कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड। हाणे मां तव्हांखे हिन एंजाइम्स जो फंक्शन सम्झायां। डियर स्टूडेंट्स, ॾिसो असां पढ़ी रहियूं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। हाणे हीउ फ़र्ज़ु कयो एग जी सेल मेम्ब्रेन आहे, ठीकु, हीअ आहे एग जी सेल मेम्ब्रेन, ठीकु आहे, जेके असां एग मेम्ब्रेन बि चवंदा आहियूं, वाइटल लाइन मेम्ब्रेन बि चवंदा आहियूं। ऐं स्पर्म जो रोल इहो आहे त स्पर्म खे इन एग जे मथां कुझु लेयर्स हूंदा आहिनि, उनखे पेनीट्रेट करणो हूंदो आहे। हीउ स्पर्म जो टेल आहे, दिस इज़ द टेल ऑफ स्पर्म, ऐं हीअ आहे मिडल पीस ऑफ स्पर्म, जंहिंजे अंदरि माइटोकॉन्ड्रिया हूंदा आहिनि। ऐं पोइ स्पर्म जो असां ड्रॉ कंदासीं हेड रीजन, कंहिंखां पोइ? मिडल पीस खां पोइ। इहा आहे स्पर्म जो हेड रीजन। डियर स्टूडेंट्स, इन हेड रीजन में स्पेशल लाइसोसोम थींदो आहे, जंहिंखे असां चऊं था एक्रोसोम, एक्रोसोम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हाणे हीअ जेका एग जी सेल मेम्ब्रेन आहे, इन जे मथां हिकिड़ो ग्लाइकोप्रोटीन जो लेयर हूंदो आहे, उन लेयर खे चइबो आहे ज़ोना पेल्यूसीडा। छा चइबो आहे? ज़ोना पेल्यूसीडा, ज़ोना पेल्यूसीडा ग्लाइकोप्रोटीन जो लेयर आहे, कंहिंजे मथां? एग जे मथां। त हितां हिकिड़ी एंजाइम रिलीज़ कई वेंदी एक्रोसिन, एक्रोसिन, ऐं एक्रोसिन उहा एंजाइम आहे जेका ज़ोना पेल्यूसीडा खे ब्रेक करण में हेल्प कंदी आहे। हाणे मां तव्हांखे हिन एंजाइम जो रोल ॿुधायां, हाइल्यूरोनिडेज़ जो। कहिड़ी एंजाइम? हाइल्यूरोनिडेज़। ॾिसो इन एंजाइम जो कमु कहिड़ो आहे। डियर स्टूडेंट्स, इहा एंजाइम बि हिन एक्रोसोम मां ईंदी, ठीकु आहे, हाइल्यूरोनिडेज़, जंहिंखे मां शॉर्ट फॉर्म में एच लिखियो। हाणे हीउ जेको ज़ोना पेल्यूसीडा आहे, वरी इन जे मथां हिकिड़ो ॿियो लेयर हूंदो आहे, उन लेयर खे चइबो आहे कोरोना रेडिएटा। छा चइबो आहे? कोरोना, मतिलबु कोरोना वायरस सम्झो, कोरोना रेडिएटा, फॉलिकल सेल्स जो हिकिड़ो लेयर हूंदो आहे। त
त इन खे डाइजेस्ट कंदी आहे हीअ एंज़ाइम हाइलुरोनिडेज। त हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा खे डाइजेस्ट कंदी आहे। ॾिसो यादि रखंदा त एग जी सेल मेम्ब्रेन जे मथां ॿ लेयर्स आहिनि, ज़ोना पेल्यूसिडा उन जे लाइ एक्रोसिन, ऐं कोरोना रेडिएटा खे डाइजेस्ट करण लाइ हाइलुरोनिडेज। त इहो हुयो सेकेंड फंक्शन एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। हाणे असां थर्ड फंक्शन ॾे मूव कंदासीं, ऐं थर्ड फंक्शन आहे ऑटोफेगी। डियर स्टूडेंट्स, हाणे असां फंक्शन पढ़ंदासीं लाइसोसोम जो, ऑटोफेगी। डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड फेजी मीन्स ईटिंग। सो द वर्ड ऑटोफेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग। कॾहिं कॾहिं सेल्स स्टारवेशन ते हूंदा आहिनि, यानी उनखे फूड जी कमी हूंदी आहे, त उहो पंहिंजे अंदरि स्टोर थियल कंहिं प्रोटीन खे ईट कंदा आहिनि या लिपिड खे ईट कंदा आहिनि, इनखे ऑटोफेगी चइबो आहे। ऐं ऑटोफेगी में हिकिड़ो ॿियो मिसाल पढ़ंदासीं, तव्हां हिते ॾिसो, हीउ हिकिड़ो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया आहे। ऐं असांजा लाइसोसोम फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया खे ईट कंदा आहिनि, पंहिंजे अंदरि डाइजेस्ट कंदा आहिनि, इनखे चइबो आहे माइटोफेगी। त इहो बि हिकिड़ो क़िस्म आहे ऑटोफेगी जो। त सभ खां अॻु में असां ऑटोफेगी जी डेफिनेशन था पढ़ूं। वॉट इज ऑटोफेगी? वेन लाइसोसोम्स ईट रिज़र्व फूड। जॾहिं सेल्स में खाधे जी कमी थी वञे ऐं पंहिंजे रिज़र्व फूड खे ईट कनि, माना पंहिंजे रिज़र्व जो मतिलबु आहे स्टोर थियलु, पोइ उहा चाहे प्रोटीन हुजे चाहे लिपिड हुजे, उनखे ईट कयो वञे। और फॉल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिल, फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी थी वियो ऐं लाइसोसोम उनखे ईट कंदो, इट इज़ कॉल्ड ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग। एग्ज़ाम्पल ॾिसो, द रिमूवल ऑफ डेमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अगरि असांजे कंहिं बि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डेमेज थी विया, फॉल्टी थी विया, त असांजा लाइसोसोम उनखे ईट कंदा, इहा आहे माइटोफेगी। फर्ज़ कयो सेल्स में प्रोटीन जी कमी थी वई ऐं राइबोसोम्स फुल ऑफ प्रोटीन्स आहिनि, छो त उन्हनि ते प्रोटीन्स ठहंदा आहिनि, त पोइ लाइसोसोम्स पंहिंजे ई सेल जे राइबोसोम खे ईट कंदा, इनखे चइबो आहे राइबोफेगी। सेल्स डीग्रेड, माना ब्रेक कंदा मेच्योर राइबोसोम अंडर द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। जॾहिं सेल्स में खाधे जी कमी हुजे या उनखे फूड अवेलेबल न हुजे, इनखे चइबो आहे स्टारवेशन। तव्हां ॾिसो डियर स्टूडेंट्स, त हिते हीउ हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो लाइसोसोम आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं ऑटोलाइसोसोम, जेको पंहिंजे अंदरि हिन माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी या डेमेज माइटोकॉन्ड्रिया खे डिस्ट्रॉय करे रहियो आहे। ॾिसूं त इहो ऑटोलाइसोसोम ठहे कीअं थो। हाणे सभ खां अॻु में यादि रखंदा त हीअ जेके कुझु तव्हांखे माइटोकॉन्ड्रिया नज़र अची रहिया आहिनि, इहे फॉल्टी आहिनि। त इनखे हिकिड़ो लार्ज वेक्यूल, तव्हां ॾिसो इहे जेको मां सर्किल करे रहियो आहियां, हीउ हिकिड़ो लार्ज डबल मेम्ब्रेनियस वेक्यूल आहे। डियर स्टूडेंट्स, इनखे चइबो आहे ऑटोफेगोसोम। त फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया खे पंहिंजे अंदरि खणंदो ऑटोफेगोसोम। त तव्हां पुछंदा ऑटोफेगोसोम छा आहे? दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ ऑटोफेगोसोम, स्फेरिकल स्ट्रक्चर विथ डबल लेयर मेम्ब्रेन्स। त हीउ हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो लार्ज वेक्यूल आहे जंहिंखे असां चऊं था ऑटोफेगोसोम। पोइ छा थींदो डियर स्टूडेंट्स, तव्हां नोट कयो, इन ऑटोफेगोसोम सां लाइसोसोम फ्यूज़ थी रहिया आहिनि। हिकु लाइसोसोम, हे फर्ज़ कयो ॿियो लाइसोसोम, जॾहिं लाइसोसोम कंहिंसां फ्यूज़ थींदा, ऑटोफेगोसोम सां, त पोइ ॾिसो वेन एन, हीअ लाइन पढ़जो, वेन एन ऑटोफेगोसोम फ्यूज़िस विथ अ लाइसोसोम, द रिज़ल्टिंग कंपार्टमेंट इज़ एन ऑटोलाइसोसोम। त जॾहिं लाइसोसोम फ्यूज़ थी विया ऑटोफेगोसोम सां, त हिकिड़ो नओं लाइसोसोम ठही वियो, उनखे असां चऊं था ऑटोलाइसोसोम। ऐं इहा इनखे असां ऑटोलाइसोसोम इन करे था चऊं त इहो ऑटोफेगी कंदो आहे। ऐं ॾिसो हीअ ऑटोफेगी मेक्रोफेगी। अगरि कोई बि लाइसोसोम कंहिं वॾे पार्टिकल खे ईट करे, मेक्रोफेगी, मेक्रो ऑटोफेगी, अगरि नंढे पार्टिकल्स खे ईट करे त माइक्रो ऑटोफेगी, पर हिते थी रही आहे माइक्रो ऑटोफेगी। त यादि रखंदा माइक्रो ऑटोफेगी थींदी आहे ऑटोलाइसोसोम में, छो त काफ़ी स्टूडेंट सवाल पुछंदा आहिनि त भई माइटोकॉन्ड्रिया जी साइज़ त वॾी आहे ऐं लाइसोसोम जी साइज़ त हुन खां नंढी आहे, त पोइ हिकिड़ो नंढिड़ो लाइसोसोम कीअं थी सघे थो त वॾे माइटोकॉन्ड्रिया खे ईट करे वञे? हक़ीक़त में नंढिड़ो लाइसोसोम फ्यूज़ थींदो आहे हिकु वॾे वेक्यूल सां, उनखे चइबो आहे ऑटोफेगोसोम, ऐं ठही वेंदो आहे हिकिड़ो वॾो लाइसोसोम ऑटोलाइसोसोम, उहो पंहिंजे अंदरि ईट कंदो आहे माइटोकॉन्ड्रिया खे। हाणे ॾींहुं सुन, असां हिकिड़े टे फंक्शन ते था अचूं, ऐं लाइसोसोम जो उहो आहे ऑटोलाइसिस। वॉट इज़ ऑटोलाइसिस? द डिस्ट्रक्शन ऑफ होल सेल। जॾहिं लाइसोसोम पूरे जे पूरे सेल खे डिस्ट्रॉय कनि बाय इट्स ओन एंज़ाइम,
पंहिंजे एंज़ाइम्स जे ज़रिए रिलीज़ बाय लाइसोसोम, त कॾहिं कॾहिं पूरे जो पूरो सेल फॉल्टी थी वेंदो आहे कंहिं डिज़ीज़ में या एजिंग जे प्रोसेस में। उन पूरे सेल जी बॉडी खे ज़रूरत न हूंदी आहे ऐं पोइ लाइसोसोम पूरे जे पूरे सेल खे डिस्ट्रॉय करे छॾींदा आहिनि। ऑटोलाइसिस, एग्ज़ाम्पल, ऑटोलाइसिस अकर्स इन एजिंग। अगरि एजिंग जे प्रोसेस जे करे, यानी जीअं जीअं कंहिं बि ऑर्गेनिज़म जी एज वधंदी आहे त हुनजा सेल्स टिश्यू सही फंक्शन न कंदा आहिनि, इनखे चइबो आहे एजिंग। त उमिरि वधण जे करे एजिंग स्टार्ट थींदी आहे, एजिंग जे करे सेल्स सही कमु न कंदा आहिनि ऐं उहे फॉल्टी थी वेंदा आहिनि ऐं पोइ फॉल्टी सेल्स खे ऑटोलाइसिस में डिस्ट्रॉय कयो वेंदो आहे। या कंहिं सेल में डिज़ीज़ थी वई ऐं डिज़ीज़ में उहो पूरे जो पूरो सेल फॉल्टी थी वियो ऐं बॉडी खे ज़रूरत में न आहे, त असांजा लाइसोसोम उन पूरे फॉल्टी सेल खे डिस्ट्रॉय करे छॾींदा। कहिड़े प्रोसेस जे ज़रिए? ऑटोलाइसिस जे ज़रिए। नंबर टू, सेकेंड एग्ज़ाम्पल, द डिसअपियरेंस ऑफ द लार्वल ऑर्गन्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ई.जी. टेल इन फ्रॉग इज़ ड्यू टू ऑटोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रोसेस खे मां सम्झायां त जेको मेटामॉर्फोसिस आहे, मेटामॉर्फोसिस इज़ चेंज इन शेप। वॉट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटा मीन्स चेंज, ऐं डियर स्टूडेंट्स ॿियो वर्ड आहे मॉर्फोसिस। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे मॉर्फी मीन्स शेप। सो वॉट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस इज़ चेंज इन शेप। त ॾिसो, जेको फ्रॉग जो लार्वा आहे, डियर स्टूडेंट्स, उनखे टेडपोल लार्वा चइबो आहे। टेडपोल लार्वा खे हिकिड़ो टेल थींदो आहे, ठीकु आहे। हाणे फ़र्ज़ु कयो, हीउ टेडपोल लार्वा जो टेल रीजन आहे, ठीकु, ऐं हीउ आहे उनजो ट्रंक। त जेको टेल आहे, डियर स्टूडेंट्स, उहो स्लोली ऐं स्लोली डिसअपियर थी वेंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिन टेल खे मां डिसअपियर थो करे छॾियां, ठीकु आहे। त हाणे टेल डिसअपियर थी वियो, ठीकु आहे। मथे बि इहो लिखियलु आहे, मथे डियर स्टूडेंट्स इहो लिखियलु आहे त टेल, हिते तव्हां नोट कंदा डिसअपियर्स लिखियलु आहे, त टेल डिसअपियर थी वियो। कहिड़े प्रोसेस में? मेटामॉर्फोसिस में। भई कीअं डिसअपियर थी वियो? एक्चुअली टेल जे सेल्स खे डिस्ट्रॉय कयो वियो। कहिड़े प्रोसेस में डिस्ट्रॉय कयो वियो? ऑटोलाइसिस में। ऑटोलाइसिस कंहिं कई? लाइसोसोम्स। हाणे डियर स्टूडेंट्स, असां लाइसोसोम जे हिक ॿिए फंक्शन ते था अचूं, हेटीरोफेगी। हेटीरो मीन्स डिफरेंट, फेजी मीन्स ईटिंग। अगरि लाइसोसोम कंहिं ॿाहिरें मटीरियल खे, जेको सेल जे ॿाहिरियां अंदरि अची रहियो आहे, उनखे ईट करे, उनखे डिस्ट्रॉय करे, त इनखे चइबो हेटीरोफेगी। डाइजेशन ऑफ एक्सटीरियर मटीरियल, माना सेल जो पंहिंजो न आहे, सेल खां ॿाहिरियां ईंदड़ कोई मटीरियल आहे, टेकन इन टू अ सेल बाय फेगोसाइटोसिस। हाणे यादि रखंदा, सेल अगरि पंहिंजो कोई अंदरियों पार्टिकल ईट करे, उहो थी वेंदो ऑटोफेगी। पर जेकॾहिं सेल को ॿाहिरियां ईंदड़ पार्टिकल ईट करे, त उहो थी वेंदो हेटीरोफेगी। तव्हां नोट कयो, हीउ जेको मटीरियल आहे, इहो सेल जे अंदरां न अची रहियो आहे, इहो सेल जे ॿाहिरियां अची रहियो आहे, ठीकु। कहिड़े प्रोसेस में अची रहियो आहे? फेगोसाइटोसिस में, ठीकु आहे। पोइ मटीरियल अंदरि आयो हिकु बबल लाइक वेज़ीकल में, इनखे असीं चऊं था फेगोसोम। पोइ फेगोसोम सां असांजा प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ थींदा आहिनि ऐं ठहंदो आहे सेकेंडरी लाइसोसोम, ऐं सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन थींदी आहे, जंहिंखे असां पढ़ूं था इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। पर असां हिनखे हिकिड़ो ख़ासि टर्न ॾिनोसीं, असां हिनखे ख़ासि टर्न ॾिनोसीं, डियर स्टूडेंट्स, हेटीरोफेगी। त नोट कयो, हिन में मटीरियल ॿाहिरियां अंदरि अची रहियो आहे। ऐं जॾहिं त ऑटोफेगी में तव्हां ॾिसो, अगरि मां थोरो पोइते वञा त ॾिसो, ऑटोफेगी में इहे जेको माइटोकॉन्ड्रिया आहे, इहो सेल जो पंहिंजो आहे। त अगरि सेल पंहिंजे कंहिं अंदरें पार्टिकल खे ईट करे, इहो ऑटोफेगी आहे, ऐं अगरि कंहिं ॿाहिरें पार्टिकल खे ईट करे, त इहो हेटीरोफेगी आहे। हाणे अक्सर स्टूडेंट सवाल पुछंदा आहिनि, डिफरेंस बिटवीन ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। त ॾिसो, पहिरियों जेको फ़र्क़ु आहे, उहो नेचर ऑफ फूड डाइजेस्टेड। ऑटोफेगी में रिज़र्व फूड लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कंदा आहिनि या डाइजेस्ट कंदा आहिनि। रिज़र्व फूड माना स्टोर थियल फूड, थी सघे थो प्रोटीन हुजे, थी सघे थो लिपिड हुजे, या को ऑर्गेनिल फॉल्टी थी वियो, मिसाल तौरु माइटोकॉन्ड्रिया, ऐं माइटोकॉन्ड्रिया जे डिस्ट्रॉय करण खे माइटोफेगी। पर ऑटोलाइसिस में पूरो सेल डाइजेस्ट थी वेंदो आहे, पूरे जो पूरो सेल डिस्ट्रॉय थी वेंदो आहे, छो त हुन में पूरे सेल जी बॉडी खे ज़रूरत न हूंदी आहे। हाणे पोज़ीशन ऑफ एंज़ाइम्स खे ॾिसो, त पोज़ीशन ऑफ एंज़ाइम्स कीअं में फ़र्क़ु आहे ऑटोफेगी ऐं ऑटोलाइसिस में। हिते लिखियलु आहे पोज़ीशन ऑफ एंज़ाइम्स, एंज़ाइम रिमेन विद इन लाइसोसोम। हिते तव्हां ॾिसो, हीउ हिकिड़ो सेल आहे ऐं हीउ हुनजो लाइसोसोम आहे, ठीकु, ऐं हे लाइसोसोम जे अंदरि जेके मां डॉट्स ड्रॉ करे रहियो आहियां, इहे डियर स्टूडेंट्स एंज़ाइम्स आहिनि, ठीकु आहे। त हिते लिखियलु आहे पोज़ीशन ऑफ एंज़ाइम्स, एंज़ाइम रिमेन विद इन लाइसोसोम, कंहिंमें?
ऑटोफेगी में, माना हे लाइसोसोम पंहिंजा एंज़ाइम सेल खां ॿाहिरि रिलीज़ न कंदो, छो त हुनखे सेल जे अंदरि कोई प्रोटीन डाइजेस्ट करिणो आहे, फ़र्ज़ु कयो हीउ प्रोटीन सेल जे अंदरि आहे या सेल जे अंदरि कोई लिपिड डाइजेस्ट करिणो आहे, त हू पंहिंजा एंज़ाइम पाण वटि रखंदो, ॿाहिरि रिलीज़ न कंदो, ठीकु आहे, पंहिंजे अंदरि हुन प्रोटीन खे इनगल्फ कंदो या पंहिंजे अंदरि हुन लिपिड खे इनगल्फ कंदो। पर हिते ॾिसो ऑटोलाइसिस में एंज़ाइम्स आर रिलीज़ इन टू साइटोप्लाज़म, फ़र्ज़ु कयो हिकिड़ो सेल आहे ऐं हिन पूरे जे पूरे सेल खे डिस्ट्रॉय करिणो आहे ऑटोलाइसिस में, त हे जेको लाइसोसोम आहे पंहिंजा एंज़ाइम पाण वटि न रखंदो, पूरे साइटोप्लाज़म जे अंदरि रिलीज़ करे छॾींदो, त जीअं पूरे जो पूरो सेल डिस्ट्रॉय थी वञे। पीरियड ऑफ अकरेंस यानी ऑटोफेगी कॾहिं थींदी आहे ऐं ऑटोलाइसिस कॾहिं थींदी आहे। ऑटोफेगी अकर्स ड्यूरिंग स्टारवेशन, जॾहिं सेल खे खाधे जी कमी हुजे, या पैथोलॉजिकल कंडीशन, सेल खे का डिज़ीज़ थी वञे ऐं हुन डिज़ीज़ में हुनजा कुझु ऑर्गेनिल्स फॉल्टी थी वञनि। पर ऑटोलाइसिस कॾहिं थींदी आहे, अकर्स आफ्टर एजिंग, एजिंग खां पोइ थींदी आहे, ठीक, यानी एजिंग हिकिड़ो अहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें उमिरि वधण सां सेल सही कमु न कंदा आहिनि, या डेथ ऑफ सेल, या सेल जी डेथ थी वञे। त डियर स्टूडेंट्स, अॼु असां पढ़ियासीं लाइसोसोम्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।